बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से। देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। मेरी रफ्तार कोई नहीं चरा सकता। दे हैव टेकन अवे माई गोल्ड मेडल, नॉट माई स्पीड। आपने एक खिलाड़ी बिन जॉनसन का नाम सुना होगा, जिसने खेलों के मैदान में अपना नाम आप पैदा किया। दौड़ के एक मुकाबले में उसने 1988 में गोल्ड मेडल जीता, मगर अगले ही दिन किसी ने उस पर बेईमानी का इल्ज़ाम लगाया और जजेस की टीम ने बगैर तहकीक किए उससे उसका मेडल वापस ले लिया। यही नहीं बल्कि 2 साल के लिए किसी भी खेल में हिस्सा लेने पर पाबंदी भी लगा दी। अगरचे उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ, मगर उस वक्त उसने खामोशी इख्तियार कर ली और मुसलसल प्रैक्टिस करता रहा। फिर 1992 में उसने ओलंपिक्स का मैदान मार लिया। उस वक्त उसने अपने एक इंटरव्यू में रोते हुए उस माजी का जिक्र किया और सुनहरी रूप से लिखा जाने के काबिल एक तारीख साज जुमला बोला, दे हैव टेकन अवे माई गोल्ड मेडल, नॉट माई स्पीड। उन्होंने मुझसे मेरा सोने का तगमा छीना है, ना कि मेरी रफ्तार। बिन जॉनसन ने कहा, इस हादसे ने उन्हें बहुत तकलीफ दी, मगर उन्होंने हादसे को सोचना बंद कर दिया। सिर्फ इस एक जुमले ने उसे हौसला दिया। फिर रोज़ाना यही सोचकर रनिंग ट्रैक पर रोज़ाना 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को प्रैक्टिस की और अपने आप को ओलंपिक्स में साबित किया। अज़ीज़ दोस्तों, ये हादसात, ये हादसीन आपसे क्या क्या चुराएंगे। अल्लाह ने जब आपको इतना माला माल किया है तो लोग चाह कर भी कुछ चीज़ें आपसे चुरा नहीं सकते। छीनने वाला हमेशा आपसे कोई चीज़ छीनता है, ना कि आपको। आपका वजूद फिर भी पूरी सलाहियतों के साथ आपके पास होता है। आप ही उसके मालिक होते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन साबित कर सकते हैं। आप एक नई तारीख रकम कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। किसी हादसे को सर पर सवार मत करें और किसी हसद को अपने हिसाब पर मत सवार करें और किसी जुमले को दिल का रोग मत बनाएं। अगर आपके पास सलाहियत है तो चलते रहें, सफ़र जारी रखें। दुनिया में 10 चीज़ें ऐसी हैं जो कोई भी आपसे चोरी नहीं कर सकता। योर यूनिकनेस, आपकी इनफरादियत, यानी वो ख़ास सलाहियत जो अल्लाह ने ख़ास कर आपको दी है, बस आपने पहचानना है। हो यू फील अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे आप जो महसूस करते हैं, बस खुद पर भरोसा कीजिए और ख़ुद को बताइए कि आप कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं, आप तारीख में अपना नाम लिखवा सकते हैं। योर इंट्यूशन, आपका वजदान यानी ज़मीर, अंदर की ताकत, वो ताकत जो आपको सही और गलत में फ़र्क समझाए रखती है। योर पैशन, आपका वो जज्बा जो आपको ताकत देता है, आपको स्पेशल करने पर उभारता है। वो हर किसी के पास नहीं होता, उसे ज़िंदा रखें। योर एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका स्टाइल, जिसकी मदद से आप दूसरों के दिल में उतर जाते हैं। असल हुकूमत वही होती है जो दिल पर की जाए। योर डिटर्मिनेशन, आपके मुसम्मम इरादे, ये एक अहम कुव्वत है जिसकी वजह से इंसान अपनी मंजिल पर पहुंचता है। जैसा कि कहा जाता है, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खदा पर हो, वह तलातुल खीज मौजों से घबराया नहीं करते।
your ability to spread love and kindness. Aajzi, inkisari aur logo se meherbani ek aisa wasf hai jo aapke fan following mein bhi azafa karta hai aur aapki salahiyaton mein bhi nikhar paida karta hai. Your hope, aapki ameed. Insaan ko pur ameed hona chahiye. Ameed ki kirn hi insaan ko raah dikhlati hai. Aapka pur ameed hona koi bhi aapse nahi chura sakta. Your knowledge and life experience, aapka ilm aur tajruba, ye sabse badhkar hai. Koi aapki banayi ki cheez chura le to usne cheez hi churai hai, aapke banane ki salahiyat nahi. Balki ab jab aap dobara wo cheez banayenge to aapka wo tajruba bhi uski banavat mein shamil hoga jo pehli baar kiya. Is tarah wo cheez us tajrube ki bina par aur khoobsurat banengi. Your choice to move on emotionally.